साल 2024 में निर्जला एकादशी पर पड़ रही हैं तीन शुभ योग। साल के सबसे कठिन व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी का व्रत। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे करें पूजन। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो हर एकादशी को बेहद खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को साल की सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन कई बार भक्त किसी कारणवश 26 एकादशियों का व्रत रखने में असमर्थ रहते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपको सभी एकादशी के व्रत का लाभ प्राप्त हो जाता है, जिसका एक कारण ये भी है कि ये व्रत बेहद ही कठिन होता है। हर साल ये व्रत भीषण गर्मी में निर्जला यानी बिना पानी पिए रखा जाता है। ऐसे में जो भी इंसान इस व्रत को कर लेता है उसको श्री हरि की साक्षात कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का व्रत बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस बार इस खास दिन पर कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है, जिस वजह से ये दिन और भी स्पेशल बन गया है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त और सटीक पूजन विधि। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि साल 2024 में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी पर तीन शुभ योग का निर्माण एक साथ हो रहा है, इस वजह से ये तिथि बेहद शुभ होने वाली है। दरअसल इस दिन त्रिपुष्कर योग, शिव योग और स्वाति नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। त्रिपुष्कर योग 18 जून दोपहर 3:56 से 19 जून दोपहर 5:24 तक रहेगा। साथ ही स्वाति नक्षत्र सुबह से दोपहर 3:56 तक रहेगा। इसके अलावा शिव योग सुबह से लेकर रात्रि 9:39 तक रहेगा। बता दें, इस बार निर्जला एकादशी के पारण पर भी शुभ योग बन रहे हैं। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून को सुबह होगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम 5:23 से अगले दिन 20 जून को 5:24 तक रहेंगे। ऐसे में इस दिन पारण करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए आगे आपको बता दें, निर्जला एकादशी के दिन श्रीहरि और माँ लक्ष्मी का पूजन कैसे करें। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होता है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्रीहरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। बता दें, निर्जली एकादशी का व्रत करने से घर धन धान्य से परिपूर्ण होता है। निर्जला एकादशी व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। भयंकर गर्मी में ठंडी चीजों का दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के समय खीरा, ककड़ी, खरबूजा, जल से भरा हुआ घड़ा आदि दान करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।